भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर आंतरिक शिकायत समिति के पुलिस पदाधिकारी अविलंब आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भोजपुर पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार ने इस बात की जानकारी दी। उत्पीड़न के लिए एक टीम बनाया गया है महिलाओं के लिए। जी, आप लोगों को बताना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसके तहत एक प्रावधान है कि जो भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर जो कार्यरत जो भी महिलाएं हैं या जो बाहर के जो भी वहाँ पर शिकायतकर्ता या फरियादी आते हैं उनके साथ अगर किसी भी प्रकार से जो है लैंगिक भेदभाव या उनका जो है लैंगिक उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट करने की किसी भी प्रकार से कोशिश की जाती है तो उनके लिए जो है एक प्रावधान के तहत जो है भोजपुर पुलिस के द्वारा जो है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित की गई है और इस कमेटी के जो है अध्यक्ष यहाँ पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय और इसमें जो है महिला इंस्पेक्टर और महिला थानाध्यक्ष और इसमें जो प्रावधान के तहत कई अन्य सदस्य हैं और उसका जो है सब सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक ट्विटर और समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। और आप लोगों को बताना है इसमें जो है पोस्टर के माध्यम से जो है सभी सरकारी कार्यालय और सरकारी बिल्डिंगों पर जो है इसका जो हम लोग देख रहे हैं कि ये पोस्टर जो लगाया जा रहा है इसमें जो भी प्रावधान है उसकी जो अवेयरनेस के लिए जो है हर जगह हम लोग लगा रहे हैं जिससे कि सभी महिलाएं अपने जो अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और इस प्रकार से अगर किसी के साथ भेदभाव या लैंगिक उत्पीड़न करने की कोशिश की जाती है तो अपनी शिकायत कमेटी को जो है तत्काल जो देंगी और यह कमेटी जो है बहुत जल्द ही इसका जो है जाँच करते हुए जाँच करेगी और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए संबंधित थाना व पदाधिकारी को सूचित करेंगे जिससे कि महिलाएँ कार्यस्थल पर जो है सुरक्षित रहें। और ये पूरी भोजपुर पुलिस के द्वारा भी इसका प्रयास जारी है और इस दिशा में जो है हम अग्रसर हैं।